हाँ सलीम भाई। हाँ यूथ लीडर कैसे हैं? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इस समय नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के अंदर आप देख लीजिए किस तरीके का माहौल बना हुआ है। पूरे ऑफिस को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। बेचैनी और बौखलाहट सरकार को सीधी सीधी दिख रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है, नॉर्थ सेंट्रल के हमारे मुंबई के कैंडिडेट अंजारिया साहब है, मैं आप लोगों से कहूंगा शेयर करते रहिए और बताइए बीजेपी की चाल और ये कांग्रेस की चाल जो पूरे ऑफिस को घेर रखा है। हमारे कैंडिडेट अंजारिया साहब है, चारों तरफ ऑफिस में आप देखिए किस तरीके का माहौल पैदा कर रखा है। चारों तरफ पुलिस ने अपना डेरा गिरा रखा है और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है। मेरे भाई आप देखिए कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में बाला साहब अम्बेडकर साहब का प्रोग्राम है और पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। कैंडिडेट को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस की ये चाल और बीजेपी की चाल ये बता रही है कि बहुजन वंचित आघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर रही है, पुलिस की बौखलाहट इस बौखलाहट को बता रही है। कैंडिडेट को अंदर ही घेर के रख रखा है, किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने की बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि एक आतंकवादी को आपने टिकट दिया है और एक आतंकवादी को टिकट देने के लिए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम अगर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में होगा तो मैं उसे काले झंडे दिखाऊंगा। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम ये चीज दिखा भी सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है, पूरे ऑफिस को चारों तरफ से घेर रखा है। कैंडिडेट को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। शाम को प्रोग्राम है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सारे कार्यकर्ता इस समय बहुजन वंचित आघाड़ी के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, चांदीवली से लेकर बांद्रा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और चारों तरफ उफरा तफरी का माहौल है। माहौल बिगड़ सकता है अगर कैंडिडेट को बाहर नहीं जाने दिया तो। हम साफ प्रशासन से कह देना चाहते हैं कि शाम को हमारा प्रोग्राम है, अगर आप इस तरीके से हमारे साथ ज्यादती करोगे तो बहुजन वंचित आघाड़ी कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, रोडों पर भी उतरेंगे, आपको बताएंगे कि हम कोई हुकूमत के गुलाम नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूं कि चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ पुलिस ने अपना घेराबंदी कर रखी है। हर तरफ घेराबंदी है और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि जिस चीज को ये लोग दबाना चाहते हैं उस आवाज को, और आज खासकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में जिस तरीके से ये लोग अपनी तानाशाही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो चाहे महकमा हो, मैं चाहूंगा कि अंजारिया साहब बताइए किस तरीके, यानी क्या माहौल और किस लिए ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं? डरा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि बाला साहब अम्बेडकर साहब और बैरिस्टर ओवैसी साहब की सभा ना हो। इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में जिस तरीके से इन्होंने आवाम का सैलाब देखा है रैलियों में, प्रोग्रामों में, तो ये डर गए हैं कि कहीं इस बार मुंबई में भी इस तरह का मामला ना हो जाए। इसलिए ये जय भीम और जय भीम की शक्ति देखने के बाद पूरी तरह से डराने का माहौल तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला उल अजीज़ हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं। हम जो है जिन तीन लोगों को हमारे डिटेन किया गया है और भी डिटेन करने की नोटिस की जा रही है, मुझे 149 की नोटिस, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे पुलिस 2000 पुलिस वाले आके घेर के बैठे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कुछ दंगा होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। ये बताइए कि अपने घर में बैठे हैं और अपने घर में 149 की नोटिस दी जा रही है, इससे समझ में आ रहा है कि मुसलमानों की और दलितों की, बाबा साहब बाला साहब अम्बेडकर साहब ने जो क़यादत की है, बैरिस्टर ओवैसीउद्दीन ओवैसी साहब ने जो उनको साथ दिया है, उससे पूरी तरह से घबरा करके ये बीजेपी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी भगवावादी सरकार, ये आतंकवादियों को टिकट देने वाली सरकार किस तरीके से डर गई है। अब फैसला आपको करना है कि क्या ये लोगों के, ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि अमन अमान को बहाल रखें और ऐसे कोई काम ना करें जिससे कानून को तकलीफ हो। हम लोग कानून को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कानून को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद समझाया जा रहा है कि हमें प्रोग्राम में जाने दिया जाए, निकलने दिया जाए। जब तक हमारे कैंडिडेट बाहर नहीं निकलेंगे, आपको पता है लास्ट तारीख 29 तारीख का दिन है, लोगों से मिलना है, लोगों से जिलना है। लेकिन आज सुबह से लेकर इन्हें इसी ऑफिस के अंदर बंद कर रखा है, बाहर इन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बहुजन वंचित आघाड़ी से ये घबराई हुई है सरकार। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों तरफ देखिए
कि बहुजन वंचित अघाड़ी के लोग एमआईएम के लोग पूरे मुंबई में ये हमें काम नहीं करने देना चाहते कि हम लोग जाकर आवाम के बीच में अपने मसले या मसाइल रख सके। और यहाँ पर बड़े बड़े आला अफसर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करें, ना कि हमें जिस तरीके से मैं ये जितने आला अफसर बैठे हैं, मैं इन लोगों से भी ये अपील करूंगा कि आप लोग उनसे बैठकर बात करें और निकलने का मौका दिया जाए ताकि वो आवाम के बीच में अपनी बात रख सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके